इसे इंग्लिश में कैसे कहें? तुम मेरे लिए बने हो, वो बिजनेस के लिए बना है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चलिए इसको बनाने के नियम को जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा सेंटेंस के टेंस के हिसाब से लिखेंगे, उसके बाद मेड प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मेड फॉर का मतलब ही होता है के लिए बना होना। तो चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तुम मेरे लिए बने हो, यू आर मेड फॉर मी। वह बिजनेस के लिए बना है, ही इज मेड फॉर बिजनेस। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोज बोथ आर मेड फॉर इच अदर्स। यह बैठने के लिए बना है, इट इज मेड फॉर सिटिंग। तुम दूसरों के लिए बने हो, यू आर मेड फॉर अदर्स। अब आप इसे खुद बनाएं। वह नाचने के लिए बना है, तुम गाने के लिए बने हो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ।